ये क्या रोने वाली बात मर है, पागल है अरे क्या? वो बेचारी कब होने अरे मार बंद कही रो अरे तो रो। तो गाइस मैं बताऊं कि हेलो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं गई थी जौनपुर लेने के लिए ये फोन सड़वाइन के लिए यानी कि आरती के लिए, और मैं उसके बर्थडे में ही कुछ ना कुछ देने वाली थी, बट जैसे कल उसका बर्थडे है आज मुझे पता चला कि उसका बर्थडे है, तो इतने इमरजेंसी में क्या ही ले सकती थी मैं। और मैं उससे पूछी भी, बट कोई बताएगा थोड़ी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कोई भी हो अगर उससे बोलोगे तुम क्या लोगी, कोई नहीं बोलेगा मुझे ये चाहिए, चाहे जो भी हो वो तो मैं समझती हूँ। और फोन मैंने लिया आज, आप लोग को दिखाऊं, ये रहा फोन, और इसको मैंने ओपन करके देख लिया है क्योंकि अंदर ना रहा तो, बाकी मैं भी वो हटाई नहीं हूँ क्योंकि हर एक लड़की का शौक या लड़का का शौक होता है कि आईफोन जब खरीदे तो ये पेपर ऐसे निकाले, तो हमने अभी छोड़ दिया है, कल मॉर्निंग में उसको शूट के लिए घर बुलाएंगे और ये उसको देंगे। और फोन देने का प्लान मैं इसलिए बनाई गाइस क्योंकि चाहती तो मैं पैसे भी दे देती और अच्छा खासा उसका हेल्प हो जाता, जैसे ये कम से कम 60,000 प्लस ही मुझे मिला, तो चाहती तो अगर उसको कैश देती या कुछ भी देती तो ऐसा दिखता और लगता ना कि हाँ दी और कुछ उसका हेल्प भी हो जाता, कुछ भी कर सकती थी जरूरत की चीजें। लेकिन मैं फोन इसलिए दी कि अगर वो इसका सही यूज करेगी तो इसी फोन से वो और सारी ख्वाहिशें और सारी चीजें मतलब जो भी उसकी है पूरी करने के लिए वो कमा लेगी, अगर इसका यूज वो सही से की तो। अब चाहे वो व्लॉगिंग करे कुछ भी बनाए रील वील डालती है तो और अच्छा क्वालिटी का आएगा, और इसके पहले से ही मतलब मैं उसके पास रही हूँ तो इतना जानी हूँ, हमेशा उसको सेकेंड हैंड ही फोन मिला है, नया नहीं मिला है। तो इसके पहले मैं ये भी सोची थी कि मेरे पास जैसे आदर्श के पास भी आईफोन था और मेरे पास भी था, तो मैं ये सोची थी नया लूंगी और एक्सचेंज कर दूंगी, बट नहीं, मुझे ये लगा कि नया ही देना चाहिए क्योंकि हमेशा बेचारी को सेकेंड हैंड फोन ही मिला है, तो मैं भी सेकेंड हैंड दे देती तो कुछ मतलब ही नहीं था, इसलिए मैंने नया लिया। और लगभग एक साल होने वाला है, दो महीने में, और जनवरी फरवरी में कुछ आई थी, जनवरी फरवरी में समथिंग, तो हो ही जाएगा एक साल। और अब तक कभी वो किसी चीज का मतलब कभी मैं पैसा भी नहीं दी हूँ, जब देने वाली थी दे रही थी तो हमेशा मना कर देती थी, तो मेरा फर्ज बनता ही है कि कुछ ना कुछ उसके लिए करूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको फोन ही गिफ्ट दिया जाए। मेरे यहाँ आती थी तो मेरे से रील बनवाती थी, अपने फोन में बना दो बहुत अच्छा आएगा, तो वो वीडियो मतलब वो भी ये वीडियो देख रही होगी, तो लो बहन तुम्हारा टेंशन खत्म, अब तुमको बोलना नहीं पड़ेगा, लो अपने फोन से मेरा वीडियो बना दो। और फिर ठीक है, मैंने अच्छा सोचा कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना, और कल उसको सरप्राइज दूंगी कि, और उसका रिएक्शन देखेंगे कि कैसा रिएक्शन है उसका और क्या बोलती है वो, और बस यही फिलहाल देखते हैं क्या होता है। और बने रहो आप मेरे व्लॉग में, जो जो नए हो सब्सक्राइब कर लो, और अभी सुबह तक का वेट करिए, अभी मैं नाइट है, रात में रास्ते में रोक के शूट कर रही हूँ और अभी हम लोग लेके ही आ रहे हैं, बट मॉर्निंग में उसको बुला के सरप्राइज देंगे, वो भी देखना आप लोग, तो चलो बने रहो, मिलेंगे मॉर्निंग में। तो गाइस हम लोग की जो लाइन है ना वो वीडियो वीडियो बनाने की है, और उसमें ना पैसे की जरूरत होती है बट उससे ज्यादा जरूरत हमें ना हमें अच्छे कैमरे की होती है, और वो एक अच्छा कैमरा ना एक अच्छे से फोन में मिल सकता है, इसलिए रोली ने और सोच के ही लिया है कि आरती को दे दूंगी तो उसके पास एक अच्छा सा फोन हो जाएगा और अच्छा सा कैमरा, अच्छा सा फोन मतलब आईफोन है उसका जो कि अभी अभी दिखाई है रोली। लेकिन मैं पता नहीं क्यों मैं हमेशा सोचती हूँ ना कि जैसे मेरे पास जो काम करने आता है मैं उसको कभी भी ये नहीं समझती कि वो काम वाला बंदा है या बंदी है ना, अपना समझती हूँ, कुछ दिन देखती हूँ कैसा वो है कैसी वो है। और फिर जैसे भी यही आई थी स्टार्टिंग में, पहले दिन ही गाइज आप लोग को बता दूं ना, फर्स्ट वीडियो जब बनाई थी बोली नहीं पा रही थी बिल्कुल, हम भगा दिए थे, भगा क्या दिए थे, मैं बोली अब इसको पहुंचा दो, वीडियो नहीं, हाँ नहीं बनाएंगे, बट टाइम दिया गया, हम लोग सोचे कि नहीं मौका देते हैं, कोई पेट में से सीख के नहीं आता, बट अब इतना अच्छा कर लेती है, आप लोग देख ही रहे हो सब तारीफ करते हो, और उसको भी सपोर्ट करना अगर वो वीडियो बनाएगी और जहाँ भी बनाएगी जो भी बनाएगी। अब कल रिएक्शन देखते हैं, जो भी मैं बुरा बोलती हूँ गाइस मुंह पे बस बोल देती हूँ, पीठ पीछे कभी किसी के बारे में नहीं सोची कि हाँ ये ऐसे वैसे, फिलहाल मैं अपने तरफ से अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। तो चलो गाइज अब सुबह का वेट करते हैं और देते हैं जब आरती आएगी, है ना, और लगभग 8 बज गए, सुबह आप लेने जाओगे उसको और बताओगे नहीं ना, रोहित को भेज देना चाहे नहीं, मैं वो बता देगा, उसका कोई भरोसा नहीं, बात बात में सब कुछ शेयर कर देता है, पहले ही फुलफुला खुश हो जाए, बोल ही ना आए वही में, चलो चलते हैं, ठीक है सुबह तक का गाइज वेट करिए, चलो फिर देखते हैं क्या रहता है रिएक्शन, साला अच्छा ही होगा, मैं तो सोचा मैं ही ले लूं, बंद करे इनका आंख, बंद करे के है बता, रोहित बंद कराए, रोहित बंद कराए, तू उन्हें दिखाऊ,
रोहित बंद करे, रोहित बंद कर रहे हैं आंख, चला खोला आंख खोला, ये गिफ्ट है भाई पकड़ो, खोला कृपा से तेरे की। अब कागज ऊपर है, किसका है? अरे तुम्हारा है, अरे तुम्हारी जान की कसम, अब उसका कवर उपारो। अब सोचा आप खोले, कैसा लगा था? अरे कहाँ से खुले? ये हमारे अपने मोबाइल में हमारा वीडियो बनाओ करो। ए मोर बहनी एक रील उधर दिखा, ए बहनी प्रैंक करा था ना, ए बहनी एक एक, एक एक रील बहनी अपने मोबाइल में हमारा बना ले, एक डाइन ऐसे कहते रहे थे ने, अब तो सी सब कहीं खुल जा सिम सिम, अभी लिखेगा नमस्ते हेलो हेलो, अब हेलो लिख रहा है भाई, ये सच में मेरे लिए है। हां रे मेरी कसम, सर पे कसम का तेरा ही है रे, तभी तो तुमको अचानक तो गाइस हम लोग ने सड़ुआ इनको आईफोन 14 गिफ्ट किया और ये तुम्हारा। अभी बताओ क्या लिखे उर्दू में? सड़ुआ नमस्ते, कैसा लगा मेरा मजाक? दब ओ पुरन नहीं रे, तेरा ही है पुरन की मोबाइल, ये रियलमी वाली है, नहीं दे देने से अब मम्मी दे दो बड़का वाला, तभी इसको हम लोग 4-5 दिन से नहीं बुला रहे थे। अरे अरे ये क्या रोवाई वाली कौन बात है, दे हमारे मोबाइल दे दे फट से, रोवे को मोबाइल दे दे, पंखा चालू कर दे, फैन चला दो, पंखा चालू कर मन्नू, ओहो ये क्या रोने वाली बात है, अरे बेचारी कब होने, अरे मार दे रो, अरे तो रो। तो गाइस मैं बताऊं कि बेचारी रोवे तक वीडियो नहीं, बेचारी हमेशा सेकंड हैंड फोन यूज की है, मुझे बहुत बुरा लग रहा था तो मैं बोली कि नहीं इसको इस बार नया ही गिफ्ट करेंगे, तो मैंने लिया और मैं इसके बर्थडे में ही देने वाली थी बट कोई नहीं, बल्कि आज एक कपाट खोली, बल्कि आज कपाट खोली हम कहे तू यार आज बहुत खुश है फोन लेके, वो सरवा, अरे थैंक यू, तुम हमेशा कहती थी अपने में वीडियो बनाओ, लो अब तुम खुद अपने बनाना, अरे मैं आज कपाट खोली ना, आज तू खुश हो गया है, कहता कैसे खुश हो गया है, हम क्या खुश हो गया, लेकिन इसको जरा भी आईडिया नहीं था ना, आईडिया क्योंकि मैं घर पे ही सबको बोली थी आया नहीं है फोन, मना कर दी थी, थैली पड़ा था बाहर, कौन सा फोन तो देखो, तो ऑनलाइन में नहीं आया ना, ऑनलाइन वाला कैंसिल हो गया था, दुकान से चलाएगी आईफोन कितना अच्छा लगेगा, इसका आईडी वाईडी बना दो अभी बना देना, तो अब बनेगा उसको, हम लोग खोले तक नहीं थे, खाली देख लिए थे रख लिए, हमन कहे ना, हमन कहे स्वाइप करे आदमी को अच्छा लगे, उसमें सिम डालो वाईफाई कनेक्ट करो तब आईडी, हम लोग ये बोले ना कि सबका सपना रहता है खोलने का, ये बोली खोलो ही मत, वो भी खोल के बोल रहा था ग्लास देख लो, आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन ही हम लोग ने गिफ्ट किया इसको, देवी भगवती को मिला है, देखा ही कुछ कुछ मिला ही नहीं है, देख के करना, तो आरती कैसा लगा बहन तुमको, फीडबैक दो, कुछ भी बनाओ रील अच्छा अच्छा बनेगा गाइज, इसका ना हमेशा से एक प्रॉब्लम था, रील बनाती थी लिपसिंग इधर उधर भागता था बेचारी का, बजता था, और एक साल से पेशेंस रखी है तो उसका फल भी तो मीठा होना ही चाहिए, सब मतलब हर एक जन का ही ख्वाहिश होता है कि आईफोन ले, दिल तो कहता ही होगा है तेरे पास भी हो है कि नहीं, बट ये इसके पापा नहीं है, हमेशा से याद करती है, भाई लोग है, अब वो घर का ही खर्चा चलाए कितना करे, लड़कियां हमेशा जब जैसे मैं ही नहीं कमा रही थी ना, मैं कभी नहीं सोचती थी कि माँ बाप की कमाई पे अपना शौक पूरा करूँ ना, तो वैसे ये भी थी कभी खुल के थोड़ी बोल पा रही थी कि कैसे मैं आईफोन मांगू, नॉर्मल फोन मिल जाए वही बहुत है, बेचारी खाएं घूम करत राम कहिए से ध्यान देते रहे, बट हम प्लान बना रहे एक न एक दिन देव तो टाइम आई है, सोचो आप लोग बहुत घुमा फिरा के इसको ये फोन मिला है, पहले मैं सोचा था कि अगर कोई फोन लेंगे तो नया वाला मैं ले लूंगा और 11 इसको दे दूंगा, फिर ये हुआ कि वो ये बोलने लगी, मैं बोले कि ये बेचारी हमेशा ये बोली कि तुम तो नया यूज किए हो, लेकिन आरती को आरती जब भी बता रही कि भैया दे रहे पापा दे रहे, तो सेकंड हैंड पाए बाटे, तीवक नहीं जाने दो, हम लोग तो बाद में ले लेंगे फिर भी कभी पैसा होगा।